फ्रेंड्स टुडे विल बी डिस्कस अबाउट एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम कितने बनाए गए हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रीवलेंस ऑफ एनीमिया, एनीमिया की प्रीवलेंस क्या है इंडिया में, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। एनीमिया होती क्या है, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन बताया था एनीमिया का। क्लासिफिकेशन एनीमिया का क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था। इसमें एनीमिया एचबी के डिक्रीज होने से एनीमिया हो जाती है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है बिकॉज ड्यू टू लो एचबी लेवल। एचबी डाउन होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी और उससे बहुत सारी सिम्टम्स आएंगे। अब कितने टाइप की होती हैं एनीमिया, कैसे होती हैं, इंक्रीज ब्लड लॉस या किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो एनीमिया, ये क्रॉनिक डिजीज से एनीमिया हो गई हो, बोन मैरो डिसऑर्डर हो, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, सिडारोब्लास्टिक एनीमिया हो गया या सिकल सेल एनीमिया हो गया। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या है, आज हम बेसिकली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया में ही प्रोग्राम जितने चलते हैं न्यूट्रिशनल बेस चलते हैं। इसमें क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन है, IDA। सेकेंड है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसमें क्या है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी होने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी से होती है। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी कॉम्बैक्ट एनीमिया प्रीवलेंस, मतलब एनीमिया को कम करने के लिए, भारत से मुक्त करने के लिए, एनीमिया हटाने के लिए। तो 6x6x6 स्ट्रेटजी बनी थी। इसमें क्या था, 6 बेनिफिशियर्स थे और 6 इंटरवेंशंस थे और 6 मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थे। 6 बेनिफिशियर्स में क्या, ये स्ट्रेटजी क्या होती है, सरकारी रणनीति होती है भारत की एनीमिया मुक्त करने से। जो रणनीति बनाई थी 6 तरह की थी, छः बेनिफिशियर थे, 6 इंटरवेंशन थे, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थे। बेनिफिशियर्स क्या थे, लाभार्थी कौन कौन से हो सकते हैं, इसको कैटेगराइज किया गया था। इंटरवेंशन में क्या था, बीज बचाव करने का कार्य किया था इससे, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में संस्थागत तंत्र आते हैं किसके, इन तीनों तरह से आप एनीमिया को भारत से मुक्त कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी थी। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी, उद्देश्य क्या है इस रणनीति को बनाने का। इसमें क्या है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इस अभियान से भारत मुक्त एनीमिया। एनीमिया मुक्त भारत जो रणनीति बनाई थी इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। रिडक्शन इन मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ड्यू टू एनीमिया, रिडक्शन मतलब कम होता है इससे, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है रोगों की संख्या, एंड मॉर्टलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, मृत्यु संख्या, मरने वालों की संख्या। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो रोग की संख्या कम होगी और मरने वालों की भी संख्या कम होगी, जो कि एनीमिया से मरते हैं उसकी संख्या कम होगी। आउटकम, नतीजा क्या आएगा इसका, टू रिड्यूस एनीमिया प्रीवलेंस, इससे क्या होगा, एनीमिया कम होगी बाय 3% पर एनम इन ऑल एज ग्रुप, 3% एक साल में 3% का रेशियो होगा जो कि डाउन होगा, मतलब एनीमिया 3% भारत से हर साल घटाना है, कम करना है, इसका ये उद्देश्य था।
सारे एज ग्रुप में, कोई किसी भी एज का हो, चाहे वो चिल्ड्रन बच्चा हो, एडोलेसेंट हो, किशोर किशोरी हो, प्रेग्नेंट वूमेन हो या वर्क रिलेटेड अस्थमा WRA का पेशेंट हो। तो इन सारी चीज़ों से ये नतीजा आया कि 3% एनीमिया पर ईयर कम करनी है। आउटकम क्या होगा? आउटकम हो गया ये। अब आउटपुट की बात करेंगे, उत्पादन कैसे होगा। टू इनक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ एलिजिबल टारगेट बेनिफिशियरीज हु कंज्यूम IFA टैबलेट आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट एज पर प्रोटोकॉल वाई 50% वाई NFHS5। NFHS5 का मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसमें क्या है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है। इससे क्या है, जो बेनिफिशियर्स हैं उनको फॉलिक एसिड और आयरन का सप्लीमेंटेशन दिया जाना है प्रोटोकॉल के तहत। इससे प्रोसेस क्या है इसका, टू इंक्रीज कम्युनिटी नॉलेज, सामुदायिक जानकारी को बढ़ावा देना और रिस्क परसेप्शन थ्रू इम्प्रूव्ड सोशल सपोर्ट और सामाजिक सपोर्ट की भी ज़रूरत है। टू इंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इन्हांस्ड कैपेसिटी टू डिलीवर सर्विस एंड सप्लाईज फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। इसकी सप्लाई, आयरन एंड फोलिक एसिड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से की जाए और इससे क्या होगा, मैनेजमेंट का एनीमिया कम होगी। अब बात करेंगे प्रिवलेंस एनीमिया, एनीमिया का प्रिवलेंस क्या है। प्रिवलेंस इन प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं हम। इसमें क्या है, 14% डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं, जर्मनी, कनाडा, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स और बहुत सारी कंट्री हैं। और 51% डेवलप्ड कंट्री हो गई। 14% डेवलपिंग कंट्री क्या है, चाइना हो गया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इंडिया। इसमें 51% है एनीमिया प्रेग्नेंट वूमेन में, और इंडिया में बहुत ज़्यादा है, 65-75% है, 65-75%। 80% लीडिंग टू मैटरनल डेथ, 80% क्या हो रहा है इंडिया में, मैटरनल डेथ हो रही है एनीमिया के कारण। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है इंडिया में, वो भी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 90% है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, 5% फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, इसमें सीधा लिखा है 90% आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और 5% ओनली फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, इससे 80% जो डेथ होती हैं, मैटरनल डेथ, मातृत्व मृत्यु, वो क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होती हैं। एनीमिया प्रिवलेंस की बात चल रही है, इसमें टोटल इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट हैं 766 मतलब 766 हैं। इसमें 514 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं, मोर देन 40% एमंग चिल्ड्रन 6-59 मंथ, मतलब 5 साल से कम बच्चे हैं, 6 महीने से 5 साल से, मतलब 59 महीने तक के बच्चों में 564 जो ज़िले हैं इंडिया के, उसमें 40% से ज़्यादा इन बच्चों में एनीमिया है। 139 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं, 40% मोर देन 40% एमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव 20-24 ईयर एज। 139 ज़िलों में क्या है, 40% से भी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन है, 20-24 साल की उम्र की, उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब जो 65 डिस्ट्रिक्ट 65 ज़िले हैं, उसमें 40% से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन जो 25-49 साल की हैं, उसमें हैं एनीमिया। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट 766 थे और जो एनीमिया के डिस्ट्रिक्ट हैं 700
टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए 718, 514, 139 और 65। तो 718 डिस्ट्रिक्ट एनीमिया हैं इसमें, और ओनली 48 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सेफ हैं, एनीमिया नहीं है जिन ज़िलों में, ओनली 48 ज़िलों में एनीमिया, ज़्यादा नहीं है आयरन डेफिशिएंसी इंडिया के। लेकिन 766 में 718 ज़िलों में एनीमिया है, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत की स्ट्रेटजी क्या है, 6x6x6, इसमें क्या है एज ग्रुप बाय डिवीज़न किया है। फर्स्ट क्या है चिल्ड्रंस 6 to 59 मंथ ऑफ एज, 6 महीने से 59 महीने तक के बच्चों को इसमें लिया गया है। 6 महीने से पहले का क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे न्यूट्रिशन जो लेते हैं न्यूट्रिशन बच्चे, 6 महीने से पहले का बच्चा वो ओनली दूध पे डिपेंड करता है, माँ का दूध पीता है, उसी से सारी न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है, और इसीलिए 6 महीने से ऊपर के बच्चों को लिया गया है इस स्ट्रेटजी में, ठीक है। सेकंड है चिल्ड्रन 5 to 9 ईयर, बच्चे हैं स्कूल बच्चे, इसमें 5 से 9 साल के बच्चों को लिया गया है। तीसरी कैटेगरी एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉयज़ 10 to 19 ईयर्स, इसमें किशोर और किशोरियों को लिया गया है जो 10 से 19 साल की एज है। चौथा है वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, औरतों को लिया गया है जिनकी उम्र 20 से 24 साल तक की है, प्रेग्नेंट वुमेन। पांचवा है प्रेग्नेंट महिलाओं को लिया गया है। सिक्स है छठा लैक्टेटिंग मदर्स, वो माताओं को लिया गया है जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं अपने बच्चों को, जिनकी एज है बच्चों की 0 to 6 months, 6 महीने तक के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग होती है, लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं। तो ये 6 कैटेगरी हो गई, इनके लिए स्ट्रेटजी बनी है। ये स्ट्रेटजी इसमें क्या है 450 million टू विल बी रीच्ड, इसमें जो एलिजिबल बेनिफिशियर्स हैं ये पूरी इंडिया में 450 million हैं, ठीक है। इसमें क्या है 124 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं 6 से 59 मंथ के बच्चे हैं, एट विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे आंगनवाड़ी सेंटर, इनके जो बेनिफिशियर्स हैं इनके लिए जो प्रोवाइड किया जाता है आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट सिरप के फॉर्म में, तो इन्हें आंगनवाड़ी केंद्र पर किया जाता है, गांव के सब सेंटर पर किया जाता है। नेक्स्ट है 134 मिलियन स्कूल एज चिल्ड्रन, 5 से 9 साल के बच्चे, 134 मिलियन बच्चे हैं जो कि 5 से 9 साल के बच्चे हैं, उनके ये बेनिफिशियर्स हैं। ये स्कूल हैं एट स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर, इनको भी सप्लीमेंट दिया जाता है स्कूलों में और आंगनवाड़ी सेंटर्स में। 47 मिलियन 47 मिलियन जो एडोलेसेंट बॉय हैं उनके लिए क्या है स्कूल में ही दिया जाता है सप्लीमेंट आयरन का। और नेक्स्ट है 68 मिलियन एडोलेसेंट गर्ल, 68 मिलियन जो हैं किशोरियां हैं इनको 10 से 19 साल की एज ग्रुप में रखा गया है, इनको दिया जाता है सप्लीमेंट स्कूल एंड किशोरी दिवस में आंगनवाड़ी सेंटर में, ठीक है। 17 मिलियन है 17 मिलियन जो हैं वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 20 से 24 साल की जो महिलाएं हैं उनको दिया गया है अंडर मिशन परिवार विकास योजना, एक नई योजना है अंडर मिशन विकास परिवार योजना, इसके तहत उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। 30 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन, 30 मिलियन जो हैं गर्भवती महिलाएं हैं एनीनेटल कॉन्टैक्ट पॉइंट, इनके लिए सब सेंटर से मिल सकता है, आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर और सीएससी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर जगह से आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्री की सप्लाई होती है, ये कहीं से भी ले सकती हैं। और लास्ट है 27 मिलियन लैक्टेटिंग वुमेन, 27 मिलियन क्या है लैक्टेटिंग मदर हैं,
इनके लिए कहीं से भी आयरन एंड फॉलिक एसिड की सप्लाई प्रोवाइड की जा सकती है, कहीं से भी ले सकते हैं। आयरन फॉलिक एसिड चाहे आशा से ले लें, आंगनवाड़ी से ले लें, या CSC PSC सब सेंटर से, किसी से भी। अब बात आती है बेनिफिशियर्स वाइज टारगेट। टारगेट क्या है बेनिफिशियर के हिसाब से? टू रिड्यूस द प्रीवलेंस ऑफ एनीमिया बाय 3% पर एनम, मतलब 3% पर ईयर, 3% हमें हर कीमत पे हर साल घटाना है एनीमिया को, ठीक है। तो एनीमिया रिडक्शन टारगेट फॉर 2022, 2022 तक इसका टारगेट दिया गया था, 2016 से 6 साल का टारगेट था। इसमें हर साल 3% रिड्यूस करना है एनीमिया को, टोटल टारगेट था 18% घटाना है एनीमिया। तो एज ग्रुप वाइज क्या था, चिल्ड्रंस लिए गए थे इसमें 6 to 59 मंथ, 5 साल से छोटे बच्चे और 6 महीने से बड़े बच्चे। इसमें क्या था, बेसलाइन 58% थी और इसका टारगेट लाना था, नेशनल टारगेट 2022 तक 40% लाना था, 58 से 40% लाना था, 18% रिड्यूस करना है। एडोलेसेंट गर्ल्स क्या हैं, 15 से 19 साल की जो किशोरी हैं उन वो हैं, इनका जो बेनिफिशियर्स हैं वो हैं 54% और इनको रिड्यूस करके लाना है 38%। ये इसका एनीमिया मुक्त भारत का टारगेट है। एडोलेसेंट वाय किशोर क्या हैं, 15 से 19 साल के लड़के, इनका जो बेनिफिशियर्स हैं 29% 29% हैं और इनको रिड्यूस करके लाना है 11%। वुमेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज की हैं उनका जो बेनिफिशियर्स हैं 53% और का टारगेट 35% रिड्यूस करके, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन 50% हैं, 50% बेनिफिशियर्स और इनको रिड्यूस करके 32% लाना है, हर एक में 18% रिड्यूस हो रहा है 6 साल में, ठीक है। लैक्टेटिंग वुमेन है 58% बेनिफिशियर्स और रिड्यूस करके 40% लाना है। तो ये इनका टारगेट था 2022 का, 18% हमें 6 साल में घटाना है, हर साल 3% पर ईयर, 3% एंड 18% इन 6 ईयर, ठीक है। चिल्ड्रंस अभी हमने बताया था, उस चार्ट में टारगेट क्या था, बच्चों को जो 6 महीने से बड़े हैं और 5 साल से छोटे हैं, तो उनके लिए 58% है बेनिफिशियर, टारगेट दिया है 40% का। एडोलेसेंट बॉय हैं 29%, टारगेट है 11% 2022 तक। एडोलेसेंट गर्ल हैं 54%, टारगेट है 36% का। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 53% हैं, टारगेट है 35%। प्रेग्नेंट वुमेन 50% है, टारगेट है 32% का। लैक्टेटिंग वुमेन है 58%, टारगेट है 40% का। ये टारगेट है एनीमिया मुक्त भारत का 2022 तक, स्ट्रेटजी है इसकी। अब बात आती है 6 इंटरवेंशंस की। इंटरवेंशंस क्या क्या हैं, पहला है प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन। दूसरा है डिवॉर्मिंग, डिवॉर्मिंग होता है मतलब कृमि, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं, हेलमेंथीज होते हैं, उनको हटाना है। इन स्टेटिफाइड ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन चैम्पियन कैम्पियन सॉलिड बॉय स्मार्ट माइंड इंक्लूडिंग इंश्योर डिलेट कॉर्ड क्लैंपिंग। फोर्थ है टेस्टिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड, एनीमिया को टेस्ट करना है डिजिटल मेथड से, हीमोग्लोबिन मीटर आते हैं डिजिटली। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एसिड फोर्टिफाइड फूड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। सिक्स है एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया हीमोग्लोबिनोपैथीज, ठीक है। पहला है जो इंटरवेंशन है,
एनीमिया मुक्त भारत। पहला इंटरवेंशन है प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। इसमें क्या है जो मेन एम है इसका, इस इंटरवेंशन का, टू रिड्यूस प्रीवलेंस ऑफ एनीमिया बाय 3% पर ईयर एमंग चिल्ड्रन एडोलेसेंट एंड वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव एज बिटवीन ईयर 18-22 18-22 साल तक। एनीमिया मुक्त भारत बेनिफिशियर क्या क्या है, चिल्ड्रंस हैं जो 6 महीने से बड़े और 5 साल से छोटे हैं, बच्चे हैं 5 से 9 साल वाले, एडोलेसेंट बॉय हैं, किशोर हैं 10 से 19 साल, एडोलेसेंट गर्ल 10 से 19 साल की किशोरियाँ हैं, महिलाएं हैं, रिप्रोडक्टिव एज 20 से 24 साल की प्रेग्नेंट वूमेन हैं और लैक्टेटिंग मदर हैं। प्रोफाइलैक्टिक डोजेज एंड रेगमिन द आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, एज ग्रुप के हिसाब से इसको हमने डोज को अलग अलग कर दिया है। 5 से 59 महीने के जो बच्चे हैं उन्हें 20 mg आयरन देनी है और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड बाई वीकली, एक वीक में 2 ये बॉटल फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब इन्हें सिरप आती है इसके लिए, ठीक है, बच्चे हैं इसलिए सिरप दिया जाता है ना, 5 साल से छोटे हैं। 5 से 9 साल के बच्चों के लिए 45 mg आयरन है और 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड है वीकली, एक ही सप्ताह में एक देना है, पिंक कलर की टेबलेट आती है ये। और 10 से 19 साल के जो एडोलेसेंट हैं किशोर किशोरियाँ हैं उनके लिए 60 mg 60 mg आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देना है वीकली, सप्ते में एक, बिप्स करके आती है, ब्लू कलर की टैबलेट होती है। 20-49 ईयर्स वूमेन, 20-49 साल की महिलाओं के लिए 60 mg आयरन देना है और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देना है वीकली, सप्ताह में एक बार, ये रेड कलर की टैबलेट आती है। प्रेग्नेंट वूमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए क्या है, 60 mg आयरन है और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड है, ठीक है, तो इसे डेली देना है इन्हें, लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट वूमेन के लिए डेली आयरन की टैबलेट देनी है और ये रेड कलर की टैबलेट होगी, ठीक है। और इसमें हमने रिमार्क में डाल रखा है किसे किस कलर की देनी है, पिंक कलर की देनी है 5 से 9 साल के बच्चों को, ब्लू कलर की देनी है किशोर किशोरियों को 10 से 19 साल के बच्चों को, रेड कलर की जो टैबलेट देनी है वूमेंस हैं उनके लिए रेड कलर की वीकली देनी है, और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए देनी है डेली रेड कलर टैबलेट, ठीक। डीवॉर्मिंग है नेक्स्ट, इसमें क्या है एनीमिया को जो बढ़ावा देते हैं डीवॉर्मिंग, जो पैरासाइट हैं हेलमिंथीज हैं इंटेस्टाइन हेलमिंथीज, उनको घटाने के लिए डीवॉर्मिंग इंटरवेंशन अभियान चला गया है। इसमें क्या है एज ग्रुप वाइज इसमें भी देंगे मेडिसिन एलमंडाजॉल, जो पीता कृमि गोल कृमि हुकबॉम होते हैं उनके लिए हटाने के लिए, उन्हें मारने के लिए इंटेस्टाइनल से डीवॉर्मिंग का यूज किया जा रहा है। इसमें क्या है चिल्ड्रंस लिए गए हैं 6 महीने से बड़े 5 साल से छोटे, बाई एनुअल डोज ऑफ 400 mg एलमंडाजॉल आधी टैबलेट टू चिल्ड्रन 12 से 24 महीने के हैं उनके लिए, और एक टैबलेट पूरी उनके लिए जो कि 24 से 59 महीने के हैं, ठीक है, एक साल में 2 बार देनी है 400 mg की एलमंडाजॉल टैबलेट 12 से 24 महीने वाले बच्चों को आधी और 24 से 59 महीने वाले बच्चों को पूरी टैबलेट 400 mg की देनी है, एक साल में 2 बार 6 महीने में 1 बार। अब बात करते हैं चिल्ड्रंस 5-9 ईयर्स एज, वो बच्चे जो 5 से 9 साल के स्कूल बच्चे हैं उनके लिए बाई एनुअल डोज ऑफ 400 mg एलबेंडाजोल टैबलेट एक साल में 2 बार टैबलेट देनी है 5 से 9 साल के बच्चों को, ठीक है। स्कूल गोइंग एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉय, किशोर किशोरियाँ जो स्कूल जाते हैं 10 से 19 साल के बच्चे हैं, आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल
दस से 19 साल ईयर्स ऑफ एज बाई एनुअल डोज ऑफ 400 mg एल्बेंडाजोल टैबलेट, मतलब एक साल में दो गोली देनी है, 6 महीने में एक गोली 400 mg में, ठीक है, एक साल में दो गोली, 6 महीने में एक टैबलेट देनी है, ठीक है। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, नॉन प्रेगनेंट एंड नॉन लैक्टेटिंग, जो कि महिलाएं हैं जो प्रेगनेंट नहीं हैं उनके लिए देनी है, 20 से 49 साल की जो औरतें हैं उनके लिए देनी है दो गोली एक साल में, 6 महीने में एक टैबलेट। प्रेगनेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर हैं उनके लिए क्या है, 1 डोज 400 mg एल्बेंडाजोल आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, एक ट्राइमेस्टर पहले तिमाही के बाद, 3 ट्राइमेस्टर में डिवीजन किया जाता है प्रेगनेंसी का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो एक ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में 400 mg एल्बेंडाजोल दे सकते हैं प्रेगनेंट वुमेन के लिए। अब नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है जो कि वो हुकबॉर्म के लिए हटाना है। थर्ड है इंटेस्टिफाई ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन सॉलिड माइंड स्मार्ट सॉलिड बाय स्मार्ट माइंड इंक्लूडिंग इंश्योरिंग डिलेट कॉड क्लैंपिंग। थर्ड इंटरवेंशन है बिहेवियरल चेंज, व्यवहार में बदलाव। कंप्लायंस टू आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट एंड डिवॉर्मिंग, आयरन और फॉलिक एसिड के साथ साथ डिवॉर्मिंग मतलब एल्बेंडाजोल की टैबलेट भी देनी चाहिए। एप्रोप्रिएट इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग IYCF एज एप्रोप्रिएट कंपलसरी, इंक्रीज इनटेक ऑफ आयरन रिच प्रोटीन रिच एंड विटामिन सी रिच फूड थ्रू डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन क्वालिटी फ्रीक्वेंसी एंड फूड फोर्टिफिकेशन। हमें खाने में बढ़ाना चाहिए प्रोटीन रिच फूड, विटामिन सी, आयरन के पोषक तत्व से भरपूर भोजन लेना चाहिए और प्रमोटिंग प्रैक्टिस ऑफ डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग बाय एटलीस्ट 3 मिनट्स और अंटिल कॉर्ड पल्सेशन केस इन ऑल हेल्थ फैसिलिटी डिलीवर्स फॉलोड बाय अर्ली इनिशियल द ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। फिफ्थ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एसिड फोर्टिफाइड फूड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। फिफ्थ इंटरवेंशन है फोर्टिफाइड फूड, इसमें क्या है, फोर्टिफाइड साल्ट बीट फ्लोर एंड ऑयल इन फूड सर्व अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS से मिलता है, ये प्रोग्राम चलता है ICDS का, इसमें मिलता है साल्ट, नमक मिलता है, आटा मिलता है, तेल मिलता है और स्कूलों में मिड डे मील मिलता है। MDM स्कीम टू एड्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, इससे क्या होता है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है। इसमें तेल, आटा और आयोडीन और युक्त नमक मिलता है, इससे कि आयरन की और प्रोटीन की कमी पूरी होती है। इन एडिशन ऑल हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड प्रोग्राम वेयर फूड इज बीइंग प्रोवाइडेड आर मैंडेट टू प्रोवाइड फोर्टिफाइड वीट राइस चावल भी मिलते हैं, आटा ही मिलता है विद आयरन फॉलिक एसिड विटामिन B12 से भरपूर, फॉलिक एसिड होता है इसमें, आयरन होता है और विटामिन B12 होता है। डबल फोर्टिफाइड साल्ट मिलता है, इसमें क्या है आयोडीन और आयरन दोनों मिलते हैं साल्ट में, ठीक है। ऑयल होता है इसमें विटामिन ए और डी क्यों पूरा किया जाता है इससे। टेस्टिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड। फोर्थ है इंटरवेंशन टेस्टिंग कैसे किया जाता है, हीमोक्यूब करके और भी कई कंपनी के डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर आते हैं आजकल, जो फिंगर प्रिक से 1 टू 2 ड्रॉप से ही
HV का पता लगाया जा सकता है और हाथों हाथ उससे टैबलेट या न्यूट्रिशन आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट हैं वो हाथों हाथ दिए जा सकते हैं। इससे जैसे ही पता चलेगा थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट क्या करेंगे इस इंटरवेंशन में, 5-6 से 59 साल के जो बच्चे हैं और 5 से 9 साल के बच्चे हैं उनके लिए 3 mg आयरन पर kg के हिसाब से पर डे फॉर 2 मंथ 2 महीने तक देंगे और अगर सीवियर एनीमिया है तो उसे रेफर करेंगे। एल्डोसेंट हैं, किशोर किशोरियां हैं 10 से 19 साल के, तो 2 IF आयरन फोलिक एसिड टेबलेट देंगे 2। 60 mg आयरन होगा इसमें, 500 μg फोलिक एसिड होगा वंस डेली 1 दिन पर डे फॉर 3 मंथ 3 महीने के लिए, ठीक है। अगर सीवियर एनीमिया है 7 ग्राम से कम है HV तो उसे रेफर कर देंगे, ठीक है। मॉडरेट है तो ये टैबलेट देके ही उसे रिकवर कर लेंगे। इंटरवेंशन 6, नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया। अगर न्यूट्रिशनल एनीमिया नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, अवेयरनेस देखेंगे दिखाएंगे और स्क्रीनिंग करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, फ्लोरोसिस तो नहीं है, ठीक है। अगर मलेरिया है हीमोग्लोबिनोपैथीज है तो उसका भी रेफरल सब सेंटर से PSC पे करेंगे। PSC वाले अगर नहीं हैंडल कर पाते हैं तो CSC पे करेंगे रेफर पेशेंट को, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करेंगे, उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट होगा, इससे भी एनीमिया का परसेंटेज डाउन होगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है। अब बात करेंगे 6 इंटरनेशनल मैकेनिज्म के। इंटरनेशनल मैकेनिज्म में क्या है, फर्स्ट है नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट, इसमें राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत इकाई बनाई गई है, ठीक है। दूसरा है इंट्रा मिनिस्ट्रल कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है इंट्रा मिनिस्ट्रल कोऑर्डिनेशन करा गया है, एक दूसरे से मिनिस्ट्री हेल्प ली गई है, इससे प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि किस तरह से हमें एनीमिया को भारत से मुक्त करना है। स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, इसमें क्या है सप्लाई चेन को कैसे कैसे हमें स्कूल के थ्रू सप्लीमेंटेशन सप्लाई करना है या आंगनवाड़ी के थ्रू, जिस टाइप के बच्चे हैं जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं उस एज ग्रुप वाइज हमें हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है या हेल्थ डिपार्टमेंट की ज़रूरत है या एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, दोनों के सपोर्ट से ही हमें, क्योंकि जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें स्कूल में जाके आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट सप्लाई की जाती हैं और जो गांव ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए आंगनवाड़ी वर्कर आशा वर्कर से कह के घर पे दिलवाई जाते हैं। कन्वर्गेंस विद अदर मिनिस्ट्रीज, इसमें क्या है एक दूसरे की सहायता ली जा सुविधा ली जाती है मंत्रिमंडल में कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की या हेल्थ डिपार्टमेंट की। 5th है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल, इसमें नेशनल सेंटर बनाए गए हैं जो कि बेटर से बेटर रिसर्च करें जो एनीमिया को कंट्रोल किया जाए। 6 एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड एंड डिजिटल पोर्टल, इसमें क्या है एनीमिया डैशबोर्ड बना गया है भारत एनीमिया मुक्त भारत का डैशबोर्ड, 1 stop of anemia for anemia। एक मेन इसका जो है डिजिटल पोर्टल है उस पर हर एक की एंट्री बना की गई है एज ग्रुप वाइज और सप्लीमेंट के हिसाब से किसे किसे क्या क्या देनी है, कितने बेनिफिशियर्स हैं, कितनों को सप्लीमेंट पहुँच चुका है, कितनों को रह गया है, कितनों में एनीमिया है, कितनों को रेफरल किया गया है, कितनों को सीवियर है, कितनों को मॉडरेट एनीमिया है, कितनों को माइल्ड एनीमिया है, ठीक है। हर किसी की जानकारी इस पोर्टल पर दी गई है। कंट्रोल ऑफ एनीमिया, एनीमिया कंट्रोल के प्रोग्राम क्या क्या बनाए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इन 1970 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया था प्रोग्राम कौन सा, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम NNAPP, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम, ये 1970 में लॉन्च किया गया था। इन
2018 में चेंज दिस प्रोग्राम नेम टू एनीमिया मुक्त भारत, जो NNAPP प्रोफाइल एक्सेस नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम था 1970 में लॉन्च किया गया था। इसको नाम बदल दिया था 2018 में और क्या रख दिया था इस प्रोग्राम का नाम, एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इन 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लॉन्च किया था 2012 में प्रोग्राम नेशनल वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बिफ्स, WIFS। ठीक है, ये 2012 में लॉन्च किया गया था प्रोग्राम। माइलस्टोन्स इन कंट्रोल ऑफ एनीमिया इन इंडिया, एनीमिया कंट्रोल एफोर्ट इन इंडिया स्टार्ट इन 1970 विद सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड इन पेशेंट वेट लो वेट PSC प्राइमरी स्क्लेरिंग कोलेंजाइटिस। NNACP नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है, इसको इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1970 में ये प्रोग्राम, जो आयरन और फोलिक एसिड को सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए। एनीमिया लेवल इन वेरियस पॉपुलेशन ग्रुप्स रिमेंड हाई NNACP, ठीक है, इससे क्या है, वेरियस पॉपुलेशन एज ग्रुप लिए गए थे, छोटे बच्चे और 5 से 9 साल के बच्चे, स्कूलिंग बच्चे और किशोर किशोरियाँ, 10 से 19 साल के बच्चे और रिप्रोडक्टिव एज वूमेन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, मोर देन 50% केज ऑफ एनीमिया आर IFA आयरन फोलिक एसिड एनीमिया डेफिशिएंसी, 50% से ज़्यादा एनीमिया क्या है, आयरन फोलिक एसिड आयरन की कमी से जो हो एनीमिया है वो 50% की एनीमिया है। 1970 में क्या चलाया गया था, 60 mg IFA फॉर पेशेंट वेट, 20 mg फॉर 1 से 5 साल के बच्चे 100 दिन के लिए दिया गया था। 1970 में जो स्टार्ट किया गया था ये प्रोग्राम, तो उसमें 60 mg आयरन फोलिक एसिड दिया गया था पेशेंट वेट के अकॉर्डिंग, 20 मिलीग्राम फॉर 1 से 5 साल के बच्चों को 100 दिन के लिए दिया जाता था। फिर 1951 में क्या हुआ, 60 mg आयरन चेंज टू 100 mg, 60 mg जो दिया जाता था आयरन वो 100 mg में दिया जाने लगा 1951 में। 2007 में क्या हुआ, 5 से 10 साल के बच्चे जो हैं वो ऐड किए गए थे। फिर है 2013 में वीकली एंड वाई वीकली सप्लीमेंटेशन टेस्ट एंड टीट, ठीक है, इसमें क्या, 2013 में जो प्रोग्राम आया था 2012 में लॉन्च किया गया था बिप्स प्रोग्राम, तो उसके बाद 2013 में वीकली और बाई वीकली सप्लीमेंट दिए जाने लगे, 1 वीक में 2 गोली और 1 वीक में 1 गोली, ठीक है, आयरन की। 2018 में क्या हुआ, NIPI नेशनल आयरन प्लस इनिटेटिव प्रोग्राम चला, इसके तहत क्या हुआ, एनीमिया मुक्त भारत हो गया ये इसका नाम, और इससे 60 mg आयरन 180 दिन के लिए 6 महीने के लिए, ठीक है, आयरन ऑन फोलिक एसिड फॉर WRA, ठीक है, इसके लिए दिया गया था, 6x6x6 स्ट्रेटजी बनाई गई थी, इसके तहत अलग अलग बेनिफिशियर्स इंटरवेंशंस और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाए गए थे 2018 में, इसका टारगेट 2022 में एनीमिया मुक्त भारत करना था। अब क्या हुआ, RBS के एक नया प्रोग्राम आया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये लॉन्च्ड इन फरवरी 2013 RBS के प्रोग्राम आया 2013 में, ठीक है, फरवरी 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। PMSA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, एक नया प्रोग्राम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, इसके तहत क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे FRE यूनिट पे, फर्स्ट रेफरल यूनिट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC PSC
इस पर कैंप लगाए जाते थे, इसको HRPD बोलते थे, 9 तारीख में लगता था। उसके बाद ये मिनी HRPD आया डे 24 को लगता, मतलब 24 तारीख को कैंप लगने लगा, ये 9 तारीख में मेन HRPD, 24 तारीख में मिनी HRPD। उसके बाद 2023 में और बढ़ा दिया गया इस कैंप के लिए, और 4 डे कर दिए गए थे इस कैंप PMSA कैंप के लिए, जो कि PSC CSC और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हॉस्पिटल में ये लगाया जाता है PMSA कैंप। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का कैंप है। इसमें 1 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख और 24 तारीख, 4 कैंप कर दिए गए हैं वीकली, हर वीक में एक 2023 से। इसमें क्या है, टेस्ट होती है ANC प्रोफाइल का हर यूनिट पे, चाहे CSC या PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है। तो इसमें 1 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख और 24 तारीख में कैंप लगते हैं। उसमें ANC प्रोफाइल टेस्ट होता है, और उसके तहत अल्ट्रासाउंड अगर ऐसी एनीमिया है टेस्टिंग में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, उसके थ्रू अगर माइल्ड है तो आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है, एडवाइस की जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू, और उसे ट्रीट किया जा कवर रिकवर किया जा सकता है। अगर सीवियर एनीमिया है तो उसे रेफर किया जाता है फर्दर यूनिट में। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 31 जुलाई 2016 में, ठीक है। PMSA फर्स्ट एनीमिया मुक्त स्टेट कौन सा बना है, हरियाणा, अक्टूबर 2020 में फर्स्ट स्टेट बना है जो इंडिया का एनीमिया मुक्त, भारत का स्टेट जो बना है वो हरियाणा बना है, ठीक है, अक्टूबर 2020 में। टेस्ट एंड ट्रीट इंटरवेंशन फॉर एनीमिया अमंगस्ट एडोलेसेंट, एक्टिविटी और डिटेल, स्क्रीनिंग बाय राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS की टीम है, जो 2012 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग की जाती है, टूल क्या है, डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर है, उंगली से एक या दो बूंद ब्लड लेके इसे HV का डिटेक्शन किया जा सकता है, उससे एनीमिया का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। प्लेस ऑफ स्क्रीनिंग क्या है, स्कूल परमिशन, स्कूल की परमिशन के थ्रू स्कूलों में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसमें क्या होता है, पेरिडियोटिसिटी, इसमें एनुअली हर साल जाया जाता है, और एडोलेसेंट किशोर किशोरियों के लिए जांच की जाती है डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के थ्रू, HV की जांच की जाती है, अगर एनीमिया आती है, HV डाउन आता है, तो उनके लिए आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिए जाते हैं स्कूल में ही स्टीम के तहत। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया अमंगस्ट प्रेग्नेंट वूमेन, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में एनीमिया का प्रेग्नेंट वूमेन, गर्भवती महिलाओं में, HV अगर 11 ग्राम से कम है तो माइल्ड एनीमिया रहेगी, ठीक है। मॉडरेट एनीमिया कब रहेगी, अगर HV 9 से 11 ग्राम के बीच में हो तो, ठीक है। सीवियर एनीमिया कब रहेगी, 7 ग्राम से भी कम आयरन HV है, 7 ग्राम से भी कम तो सीवियर एनीमिया। माइल्ड क्या है, 11 से कम है, 9 से 11 तक है तो मॉडरेट, 7 से 9 तक है मॉडरेट, और 7 से भी कम है तो सीवियर एनीमिया, ठीक है। डिटेक्टिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, इसमें क्या है, पहला डिटेक्टिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी में अगर पता चल जाए तो 2 टैबलेट ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट 60 mg आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड डेली, ठीक है। इससे अर्ली प्रेगनेंसी में पता लग जाए एनीमिया है, माइल्ड है या मॉडरेट है, मतलब 9 ग्राम तक अगर HV है, 7 ग्राम तक HV है तो उसके लिए 2 टैबलेट आयरन और फॉलिक एसिड की देनी है पर डे एक एक। डिटेक्टिंग इन लेट प्रेगनेंसी पेरेंटल आयरन,
आईबी आयरन सुक्रोस और फेरिक कार्बोक्सिल माल्टोज एफसीएम। अगर लेट प्रेगनेंसी में पता चलता है तो आईबी फ्लूड के थ्रू इसे इन्फ्यूज करेंगे आयरन के लिए। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आयरन टैबलेट दे दी उससे नो इम्प्रूवमेंट ऑफ एचबी आफ्टर वन मंथ ऑफ ट्रीटमेंट। अगर एक महीने के बाद भी खाने मेडिसिन खाने के बाद इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, एचबी इंक्रीज नहीं हुआ, तो रेफर टू एफआरयू या डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रेफरल यूनिट सीएससी को रेफर करेंगे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर करेंगे। सेकेंड है डिटेक्ट इन लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हुआ है थर्ड ट्राइमेस्टर में तो आईवी फ्लूड के थ्रू आयरन इन्फ्यूज करेंगे। अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, एचपी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो रेफर करेंगे फर्स्ट रेफरल यूनिट सीएससी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एचबी बढ़ रहा है 10 ग्राम से ऊपर, तो प्रोवाइड प्रोफाइल एक्टिव आईएफए डोज एंड काउंसलिंग, तो उसे टैबलेट एडवाइज करेंगे आयरन एंड फोलिक एसिड की, वर आयरन और फोलिक एसिड पर डे। सीवियर एनीमिया 7 ग्राम से भी कम तो एचबी वैल्यू 5 से 6 ग्राम है तो क्या होगा, रेफर अर्जेंटली टू एफआरयू सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए उसे रेफर करेंगे। ट्रीटमेंट विल बी डन बाय यूजिंग आईवी आयरन, इन आईवी के थ्रू आयरन उसे चढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे कब नहीं हुआ कवर तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एचबी वैल्यू 5 से भी कम है, अगर 5 से भी कम है एचबी इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन। इस तरह से एनीमिया को मुक्त करना है, एनीमिया फ्री इंडिया, ये सारी स्ट्रेटजी थी। 6 × 6 × 6 बेनिफिशियर थे, 6 बेनिफिशियर थे, 6 इंटरवेंशंस थे और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।